क्योंकि गुलाल के बिना जो है अधूरे रहती है होली का त्यौहार है, तो वो थोड़ा सा गुलाल भी लगाया जा रहा है, फूलों के साथ भी होली खेली जा रही है और इंटरनेशनल विमेंस डे भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमें भी खुशी हुई है, जो हमें आगे से चल के जो हमें सम्मान कर रहे हैं, हमें तो बहुत खुशी हुई है। तो यहाँ पर होली भी सेलिब्रेट की जा रही है, फूलों की होली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, सभी आपस में फूलों की होली खेलते हुए दिख रहे हैं। मैं 8 साल से रिक्शा चला रही हूँ। हाँ जी, आपने देखा होगा जब ये सरकारी रिक्शा आई थी, सबसे फर्स्ट लेडीज हम लोग ही थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना मतलब आज इतनी खुशी मतलब कभी पहले नहीं हुई। नारी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है, समाज क्या कहेगा ये कहकर उसे डराया जाता है, लेकिन महिलाएं मुसीबतों के आगे कहाँ रुकने वाली हैं, डट कर खड़ी रहती है। और आप देख सकते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर आज जो है जितनी भी ई रिक्शा चालक हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। करनाल की मेयर रेणुबाला मैम यहाँ पर पहुंची हैं और जो पार्षद है सेक्टर 6 की मेघा भंडारी मैम यहाँ पर पहुंची, और अवतार एनजीओ की तरफ से आज देख पा रहे हैं जितनी भी यहाँ पर ई रिक्शा चालक हैं उन्हें तोहफा देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि ये महिलाएं ही हैं कहा जाता है जो घर को घर बनाती हैं और बाहर निकलकर उसी तरीके से घर को तो संभालती हैं, लेकिन बाहर इस तरीके से ई रिक्शा चलाना आप लोगों ने पता होगा, समाज ने इनको भी रोका होगा, इन्हें भी काम करने से रोका होगा, लेकिन ये डटी रही। और आज यही बात है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो हर महिला की सशक्तिकरण एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमारी महिलाओं को है, वो आप देख सकते हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है किस तरीके से। रेणुबाला मैम यहाँ पर पहुँची हुई है, एक खुशी होती है कि इन महिलाओं ने जो समाज से लड़े होंगे, लड़कर ये काम चुना होगा उन्हें, आप देख पा रहे हैं एक चुन्नी जो है स्वरूप भेंट स्वरूप दी जा रही है, उन्हें गिफ्ट दिया जा रहा है और उन्हें जो है गॉगल्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि गर्मियों की शुरुआत हो रही है और वो आपके सफ़र को जो है आपके सफ़र को पूरा करती हैं, आपको कहीं भी शहर में इधर से उधर जाना है ये महिलाएँ आपको वहाँ पहुँचाती हैं सुरक्षित आपकी जगह पर, आपकी मंजिल पर। आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके जितनी भी ई रिक्शा चालक हैं करनाल की उन्हें बुलाया गया है और एक सम्मान जो है यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, उन्हें दुपट्टा उड़ाकर जो रेणुबाला मैम है करनाल की मेयर, वो भी एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। आप देख पा रहे हैं होली भी साथ में है, आपको पता है 8 मार्च को होली भी और साथ साथ इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी, दोनों त्योहारों को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है और किसी को इस तरीके से खुशी देना और उन्हें और ज़्यादा मोटिवेट करना अच्छा काम करने के लिए, इससे ज़्यादा बेहतरीन क्या हो सकते हैं कि महिलाएँ ही महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा दे रही हैं। तो मुझे लगता है आपके आसपास जितनी भी महिलाएँ हैं, सिर्फ एक दिन नहीं होता है नारी का, हर दिन नारी से होता है, नारी के बिना हर एक इंसान अधूरा है, हर एक परिवार अधूरा है और समाज भी अधूरा है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि समाज में किस तरीके से महिलाएं अपना रोल अदा करती हैं, सभी महिलाएं अपने अपने घर पे अपने समाज में, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी महिलाओं को इस तरीके से सम्मानित यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। हम तुमसे बातचीत भी करेंगे जितनी महिलाएं हैं, जहाँ अवतार एनजीओ से हैं रेणुबाला मैम है, उनसे बातचीत करेंगे और जो ई रिक्शा चालक हैं उन्हें कैसा लग रहा है कि उस तरीके से उन्हें सम्मान जो है आज दिया जा रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से, और वो खुश, आप देख उनके फेस पर एक स्माइल देख सकते हैं कि उन्हें सभी लोगों के फेस पर एक स्माइल दिख रही है और अच्छा लगता है कि इस तरीके से अगर आपके साथ की महिलाएं आपको इंस्पायर कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं और आगे बढ़ने के लिए और अच्छा और बेहतर काम करने के लिए, क्योंकि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर महिलाएँ डट कर उसे काम करें, हार ना माने, इस समाज से परिवार अगर आपको रोक रहे हैं, कोई भी अपने हक की लड़ाई, इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक महिला को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो घर की महिलाएं जितनी भी हो, चाहे आपकी बेटी हो, आपकी पोती हो, कोई भी हो आपके घर में। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि गुलाल के बिना जो है अधूरे रहती है होली का त्यौहार है, तो वो थोड़ा सा गुलाल भी लगाया जा रहा है, फूलों के साथ भी होली खेली जा रही है और इंटरनेशनल विमेन्स डे भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो बातचीत करते हैं जो ई रिक्शा चालक है जिन्हें तोहफा दिया गया, सम्मानित आज किया गया, उनसे भी बातचीत करेंगे, रेणुबाला मैम से भी बातचीत करेंगे। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज महिला सशक्तिकरण को आज दिखाया गया आप सबकी तरफ से और साथ साथ होली भी सेलिब्रेट की जा रही है, मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज महिला दिवस और होली के सेलिब्रेशन के अवसर पर अवतार फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छी चैरिटी मैं कहूँ या सशक्तिकरण की बात कहूँ, जो महिलाएं हमारे समाज में आगे आकर ई रिक्शा से अपने परिवार का भी पालन पोषण करती है और समाज में भी जिस तरह से जागृत होकर सेवा करती हैं,
तो उन्हें सम्मानित कर किया गया। उन्हें सम्मानित करके उनके साथ होली मनाना एक अलग सा अनुभव रहा और इसमें ये फूलों की होली इनके साथ मनाई। इसमें हमारी ऋचा जी यहाँ पर और श्वेता जी फाउंडर और को फाउंडर हैं। मेघा जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। यहाँ पर अवतार के सभी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। एक हमेशा ये अवतार फाउंडेशन हमेशा एक कोई ना कोई किसी भी क्षेत्र में जाकर सेवा करती हैं और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने नए भाव से इसे शुरू किया है। मुझे लगता है कि इस तरह के त्योहारों को लोगों के बीच में जाकर मनाना और विशेष तौर पे ये उत्सव ऐसे होते हैं जो घर की खुशियां तो डबल कर देती हैं, एक पारिवारिक माहौल भी बना देते हैं। वैसे भी हमारी संस्कृति में होली एक ऐसा पावन पर्व है जिसमें हम चाहे कोई भी वर्ग कोई भी जाति है, हम एक दूसरे के साथ गले मिलकर होली मनाकर एक परिवार का संदेश हम देते हैं। और आज तो डबल हो गया, ये वुमेन डे भी है जिसमें महिलाओं को सशक्त होते हुए देखकर समाज में बहुत अच्छा लगता है। हमारी सरकार भी यही चाहती है कि हमारी बेटी को उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी का सम्मान हो बेटी का संवर्धन हो, इस तरह की कोशिश में महिलाएं आगे आके सेवा कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सबको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं बेटी या बहुएं आगे अच्छा काम करती है तो सबको अच्छा लगता है। और रेणुवाला मैम की बात करूँ, मेघा भंडारी मैम की बात करूँ, करनाल की सभी लेडीज के लिए इंस्पिरेशन हो मैम। आप लोग जितने भी करनाल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं हम आपको देखते हैं आगे बढ़ते, और आज जिस तरीके से आप सब लोग ने मैम जो महिला सशक्तिकरण को दिखाते हुए ई रिक्शा चालकों को आपने सम्मानित किया, मैम क्या कुछ कहना, कैसे दिमाग में आया कि इस बार कुछ इस तरीके से अलग करना चाहिए? देखिए, आज सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको हैप्पी होली और हैप्पी वुमेंस डे कहूँगी। आज हमारा अवतार का एक एनजीओ है हमारा, हमने पहले भी प्रोग्राम्स करे हैं और आज हमारा बेसिकली जो था वुमेंस डे के ऊपर था और जो हमारा अवतार है वो वुमेंस और गर्ल्स के ऊपर काम कर रहा है। तो हमारा उन वर्ग की लेडीज़ को आज सम्मानित करने का इसीलिए दिमाग में आया कि इन वर्ग की लेडीज़ को शायद ये बहुत मजबूरी से घर से बाहर निकलती हैं, बहुत लेडीज़ की मजबूरी होती है जो ये आकर इस जगह पर काम करती हैं और इनको एक दिन इनका स्पेशल बनाया जाए, इनको सम्मान दिया जाए। इसलिए आज हमारी पूरी अवतार की टीम ने हमारे को फाउंडर और फाउंडर ऋचा, श्वेता, सान्या, नितिका भंडारी जी, शिल्पी और रुचि और बहुत सारे सॉरी जिनके मैं नाम भूल चुकी, दीपू, सबके नाम है इसमें, और सब ने एक बहुत अच्छा एफर्ट किया कि अवतार की जो टीम है वो हम सुपर वुमेन जो है, सुपर वुमेन हमारी सबसे बड़ी हमारी मेयर करनाल की जो है, हमारी जो मार्गदर्शन करती हैं, एक वुमेन की एक ऑलॉडोजी है, उनको हम सम्मानित करते हैं। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं वो, और दूसरी बात ये वो सुपर वुमेन्स जो अपना घर का निर्वाह जो कर रही हैं, ई रिक्शा जो चालक हैं, उनको हमने सम्मानित किया। मैं दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारा जो प्रोग्राम मैं सक्सेसफुल बनाया, हमारा दिल से उनका आभार है। और सबसे बड़ी बात यह कि महिला दिवस पे महिलाओं का तो हर दिन तो महिला से होता ही होता है क्योंकि वो अपने काम करती हैं, मगर एक दिन वुमेंस डे जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे महिलाओं को अलग करना चाहिए, उनके लिए स्पेशल करना चाहिए ताकि वो भी फील करें क्योंकि सारा साल वो हम लोगों के लिए काम करते हैं, तो उनको भी हमें बताना चाहिए कि यू आर स्पेशल फॉर अस। जी हाँ, हर दिन महिलाओं का होता है लेकिन एक दिन स्पेशल जरूर होना चाहिए। अब ताकि बाकी टीम से भी बात करें, लेकिन सबसे पहले जो ई रिक्शा चालक है जिन्हें सम्मानित किया गया उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, जब ये ई रिक्शा चलाना शुरू किया होगा समाज में इस तरीके से आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा, क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आज इस तरीके से सम्मानित किया गया तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मैडम। मैं 8 साल से रिक्शा चला रही हूँ। हाँ जी, आपने देखा होगा जब ये सरकारी रिक्शा आई थी सबसे फर्स्ट लेडीज हम लोग ही थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना मतलब आज जितनी खुशी मतलब कभी पहले नहीं हुई, तो अच्छा लगा। मैं इनका मतलब धन्यवाद करूंगी जिन्होंने हमारे लिए इतना सोचा, इनका तहे दिल से मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें भी खुशी हुई है जो हमें आगे से चल के जो हमें सम्मान कर रहे हैं, हमें तो बहुत खुशी हुई है। तो लग रहा है कि अपने परिवार समाज से लड़ना जो है आज अच्छा साबित हुआ कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, दिख रहा है। बहुत अच्छा लगा आज हमारा सम्मान हुआ ना, हमें इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत खुशी हुई है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी महिलाओं को क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? सभी मैं तो ये देना चाहूँगी, सभी महिलाएं अपने पैर पकड़े, अपनी अच्छी तरीके से अपना घर को देखें, सब कुछ करें। मतलब घर के साथ साथ बाहर अपने समाज में बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सरिता नाम है मेरा। आप कब से चला रही है रिक्शा? मुझे तो 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से चला रही है। तो मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता होगा अक्सर?
हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभी, कभी कभी काम भी नहीं होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो बाकी अवतार की टीम से बात करें, आप लोग देखा जो ई रिक्शा चालक है किस तरीके से, कितनी खुशी उनके चेहरे पर आप लोगों को दिखाई दी। अभी भी होली यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए दिख रही है, सभी लोग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं क्योंकि मेमोरीज जो है डेफिनेटली बन जाती है हम पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं तो। और बाकी लोगों से अवतार की टीम से बातचीत करते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज बहुत अच्छा आपने सराहनीय काम किया है, एम्पावरिंग द वुमेन आपके अवतार का नाम ही यही है एनजीओ का, और आज इस तरीके से सभी मेरे चेहरे पर खुशी देख पा रही हूँ जितने भी रिक्शा चालक है कि हमने कभी सोचा नहीं था हमें सामने से बुलाया जाएगा ऐसे किया जाए। किस तरीके से आपकी टीम के माइंड में ये आया, किसने सोचा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम रिचा, मैं अवतार की फाउंडर हूँ। आज हमारा मेन पर्पस यही था कि हम वुमेन्स को बहुत अच्छे से उनको सम्मानित करें वुमेन्स डे के ऊपर और उनके साथ होली मनाएं क्योंकि आज का दिन वुमेन्स के सम्मान के लिए मनाया जाता है। तो बस आज के दिन हम लोगों को यही था कि उनको एक स्पेशल डे, उनको एक स्पेशल फील करवाएं कि वैसे तो अगर मेरे से आप बात करोगे तो औरत का सम्मान हर रोज़ करना चाहिए क्योंकि एक औरत ही समाज, एक अच्छी औरत से ही समाज और देश बनता है। मैं तो यही बोलूँगी, मैं आपके चैनल के ज़रिए सब औरतों से ही बोलूँगी कि आप हमारी संस्था को ज्वाइन करो क्योंकि हमारा काम ही वुमेन्स द एम्पावरमेंट है। आप लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ के हमारी संस्था को और मजबूत बनाओ। मेरी और मेरी पूरी अवतार की टीम से सारी माताओं और बहनों को विश अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे एंड करनाल के सभी वासियों को हैप्पी होली। मैम आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस डबल सेलिब्रेशन का, होली का भी और साथ ही साथ वुमेन्स डे का, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद जो आप यहाँ आए, और मैं होली की विशेष देना चाहूँगी, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी वुमेन्स डे। और हमारा एनजीओ जो है अवतार, उसकी तरफ से भी आप सबको हैप्पी होली। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी होती है जब हम लोग देखते हैं सड़कों पे निकलते हैं अपने फोर व्हीलर्स में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जैसे कोई भी जा रहे होते हैं, तो ये लोग अपने आप को ना, इनको लगता है कि हम लोग अपने आप को कवर करके जाएँ जबकि ये काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे ये कई बार लगता था कि इन लोगों को रोक कर मैं ये बोलूँ कि आप अपना कवर करके मत जलो, कि आप खुले आम अपनी रिक्शा को चलाओ ताकि दूसरी लेडीज़ भी जिनको भी है नीड, तो सबको है कि एक लेडीज़ आगे आएंगी तो उनको देखा देखी सभी उनके पीछे चलेंगी। तो मुझे बड़ा लगता था कि ये लोग बांध के चलते हैं कि मैं इनको रोकूं और बोलूं कि आप कवर करके मत चलो, सर हम अपनी रिक्शा चलाएं और दूसरी लेडीज़ को भी मोटिवेट करें कि ऑनर का काम है अपने लिए अर्निंग करना, अपने बच्चों के लिए अर्निंग करना। एक लेडीज़ अगर आगे बढ़ती है तो समाज, परिवार सब आगे बढ़ता है। जी मैम ने बहुत सही बात बोली, जब एक महिला जो है बिना डरे आगे बढ़ेगी तो उसके पीछे पीछे चार महिलाएं और आएंगी। तो मैम आपका क्या कुछ कहना है आज? नमस्कार, मेरा नाम श्वेता है और मैं अवतार फाउंडेशन से हूँ। अवतार फाउंडेशन का जो मेन काम है उन्होंने यही करना है कि वो महिला सशक्तिकरण और उनके पुनरुत्थान के लिए काम कर रही है अवतार। लेकिन अभी आज का जो हमारा मेन उद्देश्य था वो ऐसी महिलाओं को सम्मानित करना था कि जो बहुत हटकर मीन्स काम कर रही हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक आम अपनी महिलाओं से हटकर काम कर रही है और वो एक कहते हैं ना आइडल बनी हुई हैं क्योंकि उनकी पहचान उनकी घर से नहीं, एक एज आ पत्नी नहीं है, ना ही उनकी पहचान किसी से है, वो अपनी पहचान खुद बना रही हैं और वो दूसरे लोगों के लिए एक आइडल का काम कर रही हैं। तो बस इसीलिए उनको सम्मानित हम आज करना चाह रहे थे कि आज हमको अच्छे से सम्मानित करें और वो एक तरीके से सबकी उन जैसी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। बिकॉज हर वर्ग, हमारा मेन जो अवतार का मेन काम है वो यही है कि हर वर्ग की महिला को सशक्त बनाएं और वो अपने डिसीजन अच्छे से ले सके, बस यही हमारी अवतार की है। थैंक यू। दो शब्द, मैं ये अवतार की फाउंडर है, मैं बहुत सालों से जानती हूँ श्वेता को, ये ऐसी लेडी है कि मतलब इतने अंदर से इनको होता है कि मैं कुछ अलग से करूं, नया करूं, कि कुछ भी ऐसा हो मैं शो ऑफ के लिए नहीं करूं। जितना मैं जानती हूं, मैं इतनी ब्लेसिंग्स इनको दूंगी कि ये अपने मिशन को जो लेकर साथ और लेडीज़ को भी ये जोड़ती हैं कि जो सच्चे दिल से इनके साथ जुड़ें और अच्छे लोग। बहुत अच्छा आज ये कार्य जो है आज किया गया है अवतार फाउंडेशन की तरफ से, और साथ ही साथ यहाँ पर करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता मैम भी यहाँ पर पहुँची हैं और किस तरीके से जितने भी ई रिक्शा चालक हैं उन्हें आज सम्मानित किया गया है। और बिल्कुल सही बात, एक नारी जो है सिर्फ एक पत्नी, सिर्फ एक बेटी और सिर्फ एक बहू नहीं है, उसकी खुद की आइडेंटिटी भी है। घर से बाहर निकलना, काम करना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग अपने आसपास महिलाओं को बढ़ावा ज़रूर दें।